चलो आज की खाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं आज बाजरे की भाकरी और सब्जी कर रही हूँ। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, खाने की रेसिपी। हम ठंडी के मौसम में नागली के पापड़ होते हैं, वो भी खाना खाने के साथ खाते हैं। सबसे पहले मैं बाजरे की रोटी, बाजरे की भाकरी कहते हैं उसे, वो बना लेती हूँ। बाजरे की भाकरी के जो आटे में हम ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करेंगे, कम भी नहीं, और जितनी मॉलिश करेंगे उतनी अच्छी भाकरी हमारी बनती है, फटती नहीं। वो ये टिप्स है। बाजरे की भाकरी बनाने के बहुत से टाइप होते हैं, कोई बेल लेते हैं, कोई चपाती जैसे बनाते हैं, कोई हाथ पर ही बना लेते हैं। मैं आज सिंपल स्टिक से कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भूख लग गई है, इसलिए मैं आज फास्ट फास्ट कर रही हूँ। दोनों हाथ से प्रेस कर कर के राउंड घुमाएं, ऐसे भी बनाते हैं, एक हाथ से भी बना सकते हैं। मैं जैसे आए वैसे बना लेती हूँ। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म बाजरे की भाकरी बहुत अच्छी लगती है, और उसके साथ अगर बैंगन का भरता हो तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने भरता तो नहीं बनाया है, दूसरी सब्जी बनाई है। मैं इस पर पानी डाल लेती हूँ। इधर मैंने मेरी सब्जी भी बन गई है, अच्छी तरह से पक गई है। मेरी बेटी भी मुझे बोलने में साथ देती है। अभी तो स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्कूल चलते हैं। ये मैंने ड्राई वेजिटेबल बनाई है, भाकरी भी रेडी हो गई है, अच्छी तरह से फूल गई है। मैं इस तरह से उसे बैक साइड को पका लेती हूँ। ये हमारी भाकरी बाजरे की रेडी हो गई। हम कुछ पापड़ है वो भी मैं सेक लेती हूँ, ऐसे गैस पर मैं बना लेती हूँ। जो नागली होती है उसके ये पापड़ है, हम इसको तल भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है।
सो मैं कुछ पापड़ ऐसे भून लेती हूँ। इसकी टेस्ट ठंड में बहुत अच्छी लगती है। ये उड़द का पापड़ है। इसे भी मैं सेक लेती हूँ। इस तरह से ये मेरा पापड़ भी रेडी हो गया है। ये देखो मेरे बेटी का खाना रेडी हो गया है। चपाती बनाई है, बाजरे की रोटी, पापड़। मेरी बेटी इसे व्हाइट और रेड पापड़ कहती है। सब्जी